उम्मीद है कि पिछली वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को सीखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंसेस की पहचान मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई है, बहुत सारा रूल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ही मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। फिलहाल नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, कुछ भी हो, सबके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। उसके बाद लगाते हैं नाउन। जैसा कि मैं आपको हर टेंस में बताता रहता हूं कि किसी भी टेंस का अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस आप बना रहे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड, यानी कि जो बाकी बचे हुए होते हैं ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद, वो सारे शब्द हम लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। चलिए बात करते हैं पहले सेंटेंस की। इसके पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था, इसके पहले मैंने लाल किला देखा ही नहीं था। तो इसके पहले यहां पर इसके की इंग्लिश कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले की इंग्लिश लिखेंगे। पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था, यानी कि इसके पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था। एक ही बात है यार, घुमा फिरा कर क्या बोलना। यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, कौन लाल किला नहीं देखा था, कौन लगाने से जो आंसर आए वो होता है सब्जेक्ट। तो कौन लाल किला नहीं देखा था, मैंने यानी कि आई, तो ये हो गया सब्जेक्ट आई। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड। हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करना है। इसके बाद लिखना है नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहां पर, देखा था, तो सी मीन्स देखना, सी सा सीन, सी हो गया फर्स्ट फॉर्म, सा हो गया सेकेंड फॉर्म, और सीन हो गया थर्ड फॉर्म, तो यहां पर लिख दिया जाएगा सीन। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, क्या नहीं देखा था, लाल किला नहीं देखा था, तो यहां पर लिख दिया जाएगा द रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला। ओके, इसके बाद अदर वर्ड्स क्या है, इसके पहले, तो इसके पहले के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लिख देंगे बिफोर। बिफोर मीन्स हो गया पहले या इसके पहले, एक ही बात है, उसके लिए लिखा जाएगा बिफोर। ठीक है, तो आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर, इसके पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था। अगला संडे से महात्मा गांधी बचपन से ही तेज नहीं थे, महात्मा गांधी सब्जेक्ट हो गया, महात्मा गांधी ये हो गया सब्जेक्ट हमारा। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद लिखेंगे नॉट, ठीक है, हैड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, नहीं थे, यानी होना, तेज होना, बचपन से ही तेज नहीं थे, तेज होना मतलब तेज तो एक एडजेक्टिव है, यहां पर जो मेन वर्ब है वो है होना, तो बी मीन्स होता है होना और उसका थर्ड फॉर्म होता है बीन, तो यहां पर लिख दिया जाएगा बीन। ठीक है, इसके बाद क्या नहीं थे, तेज नहीं थे, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है तेज, तो तेज के लिए लिखा जाएगा इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान, यानी कि तेज, ठीक, मतलब दिमाग से तेज, तेज का मतलब यहां पर ये होगा बचपन से ही। तो मैंने आपको पिछले कई टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया हुआ है, क्या बताया हुआ, ये बताया हुआ है कि से के लिए अगर निश्चित समय होता है तो सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय होता है तो फॉर लगाते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया है उम्र की किसी भी अवस्था के लिए, दिन की किसी भी अवस्था के लिए तो सिंस का यूज किया जाता है। तो यहां पर उम्र की एक अवस्था है चाइल्डहुड, तो यहां पर लिखेंगे सिंस, तो ये हो जाएगा सिंस मीन्स से, और कब से, चाइल्डहुड, बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, तो ये हो गया। महात्मा गांधी हैड नॉट बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड, महात्मा गांधी बचपन से ही तेज नहीं थे। अगला सेंटेंस देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। अब आ गए हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर, जिसमें दो मेन वर्ब होता है और दोनों अलग अलग टेंस में ट्रांसलेट किए जाते हैं,
लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में। जो काम पहले होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। लेकिन आपको एक बात यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है, ये पता करने के लिए नहीं को इसमें से इग्नोर करना पड़ेगा। यानी यहां पर जो नहीं मरा था ये लिखा हुआ है, ये नहीं, इसको आप इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने की बात सेंटेंस आपको मिलेगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा था, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। ओके, तो जब ये आप देखेंगे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा था, ये सेंटेंस आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा था या रोगी मर गया था, ये काम पहले हो रहा है। तो ये जो काम पहले हो रहा है इसी को हमें ट्रांसलेट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन जिस सेंटेंस में लिखा हुआ है उस सेंटेंस के साथ लिखेंगे, यानी नहीं लिखा हुआ इसमें, यानी निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसको निगेटिव सेंटेंस में ही लिखेंगे। ओके, बात क्लियर हुई? मतलब सिर्फ पता करने के लिए कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है, हम नहीं को इग्नोर कर देंगे। उसके बाद जब हम ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को तो जैसे लिखा हुआ है, जिस सेंटेंस में लिखा हुआ है एज इट इज वैसे ही करेंगे। ओके, तो जब हमें ये पता चल गया कि रोगी मरा था या रोगी मर चुका था, ये काम पहले हो रहा है, तो इसको पहले लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन नेगेटिव में लिखना है क्योंकि रोगी नहीं मरा था, ये है। ठीक है, तो हम ये पहले लिख देंगे, रोगी नहीं मरा था, द पेशेंट यानी कि रोगी, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट इज हैड। ओके, तो हैड नॉट डाइड, मरा था। इसके बाद लिखेंगे बिफोर, जैसा कि आपको पता है अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है बीच में पहले या बाद में होता है तो पहले के लिए बिफोर लिख देते हैं। अब जो दूसरा सेंटेंस है उसको लिखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, जो काम बाद में हुआ है, क्योंकि डॉक्टर बाद में आया तो डॉक्टर को आना बाद में लिखे, यानी डॉक्टर का आना बाद में लिखेंगे। ठीक है, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, और कम का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा केम, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला सेंटेंस देखिए, जब मैं वहां पहुंचा तो भोज शुरू नहीं हुआ था। तो यहां भी वही बात है, जब मैं वहां पहुंचा और भोज शुरू नहीं हुआ था, दो तरह के सेंटेंस हैं जिनको जब से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, नहीं को इग्नोर करना है। तो जब आप नहीं को इग्नोर कर देंगे तो जब मैं वहां पहुंचा तो भोज शुरू हुआ था, भोज शुरू हो चुका था यानी पहले से ही भोज चल रहा था। तो ये जो काम है ये पहले हो रहा है, ठीक है, ये काम पहले हो रहा है, तो इसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, भोज शुरू नहीं हुआ था। ओके, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। और दूसरी चीज, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है जहां पर जब आए तो वहां पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस वाला पार्ट पहले लिखते हैं, काम बाद में भले ही हुआ हो लेकिन वो पार्ट पहले लिखते हैं, और जब जहां पर लगा हो, मतलब ऐसे समझिए जब के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हो उसको वहीं पर वैसे एज इट इज लिख देते हैं, जिस भी टेंस में वो सेंटेंस होता है। ठीक है, तो जब मैं वहां पहुंचा, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, इसको ऐसे लिख देंगे, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। ठीक है, क्योंकि ये काम बाद में हो रहा है तो इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर दिया, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। तो कि कोई इंग्लिश नहीं होती, ध्यान रखिएगा, बार बार बताता आ रहा हूं आपको, भोज यानी कि रात्रि भोज यानी कि डिनर, तो यहां पर लिखेंगे हम डिनर, डिनर हैड नॉट स्टार्टेड, शुरू नहीं हुआ था, भोज शुरू नहीं हुआ था। ओके, व्हेन आई रीच देयर डिनर हैड नॉट स्टार्टेड। अगला सेंटेंस देखिए, मेरी माँ आगरा कभी नहीं गई थी, मेरी माँ आगरा कभी नहीं गई थी, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कभी नहीं के लिए यूज करते हैं नेवर, यानी नॉट की जगह नेवर का यूज करेंगे, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो ये हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट मेरी माँ, मेरी माँ यानी कि मदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नहीं, कभी नहीं के लिए यूज करेंगे नेवर, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू आगरा फुल स्टॉप। ठीक है, माई मदर हैड नॉट गॉन टू, माई मदर हैड नेवर गॉन टू आगरा, मेरी माँ आगरा कभी नहीं गई थी।